मिडनाइट मुझे मालूम नहीं, 2:15 रात के, तो मैं नया ब्लॉग चालू कर रहा हूँ आज का। मैं अभी फिलहाल आदर्श के रूम पे, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो नहा लिया और फ्रेश हो गया। ये टी शर्ट आदर्श का पहना क्योंकि मेरा बैग गीला है और सारा सामान अंदर है, तो मैंने ज़्यादा गिरा थोड़ी सब को धीरे हो रहा हूँ क्योंकि बाकी सब सो रहे, सिर्फ मैं और आदर्श एक हैं। ओके सर, थैंक यू। तो दिन की शुरुआत चिकन के साथ हो रही है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है यार। इतनी खुशी बहुत दिनों बाद हुई है। अनबॉक्सिंग ऑफ फूड एट 2:15 PM। प्राइस के हिसाब से क्वान्टिटी बहुत कम है, 540 का ही इतना। फटाफट खाता हूँ और सो जाता हूँ और मैं मिलता हूँ आप लोग को कल सुबह। तो अभी बज रहे हैं 12:15, तीनों में से कोई भी नहीं नहाया, हम लोग निकल गए अभी डायरेक्ट। रात को नहाए हम लोग, हाँ रात को नहा चुके थे इसीलिए हम लोग सुबह नहीं नहाए। अभी हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे यहाँ पे और वापस हमारी शाम की ट्रेन है, इस वजह से थोड़ा जल्दी आना है। फिलहाल तो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं पहले? फिलहाल मैं बांद्रा जा रहे हैं, लिंकिंग रोड जाएंगे, देखेंगे कुछ मिलता है हमारे लिए। कार्गो लेना है मुझे, तो देखेंगे अगर कार्गो मिल गया अच्छा तो ले लूँगा मैं। हम लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं बस स्टैंड में और यहाँ पे मेरे को कार जो देखने मिल रही है एक से एक कार, लेक्सस, BMW ऐसे सामने से जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। कब हमारे पास होगा भाई? बस का वेट कर रहे थे, बस तो आया नहीं तो टैक्सी लेके जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। हम पहले ही महाराज जैसे उठे टैक्सी लेंगे यहाँ से दादर के लिए, दादर से जाएंगे लोकल ट्रेन से बांद्रा में जाएंगे लिंकिंग रोड और लिंकिंग रोड में करेंगे शॉपिंग। मैं हूँ फिलहाल दादर स्टेशन में, पीछे गर्दी ज़्यादा है, मैं पहाड़ों से आ रहा हूँ, पहाड़ों पे एकदम पूरा खाली खाली था और यहाँ पे इतना गर्दी देख के थोड़ा अलग सा लग रहा है। यहाँ की गर्मी वो मैं और बहुत गर्म हो रहा है, मैं छाँव में खड़ा हूँ लेकिन फिर भी पसीना छूट रहा है। मुश्किल से हार्डली 100 मीटर चले टैक्सी से उतर के, यहाँ से 100 मीटर चले लेकिन उसमें भी हम लोग को पसीना छूट गया, इतनी गर्मी है यहाँ पे बॉम्बे में। तो मैं समोसा पाव ले आऊँ क्योंकि मेरे को वड़ा पाव मिला नहीं। समोसा पाव भी अच्छा लगता है पर ट्राई करना कभी, बॉम्बे में अक्सर ये लोग खाते हैं। अभी मैं हूँ लिंकिंग रोड पे, टी शर्ट ट्राई कर रहे हैं। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जॉगर्स लिया नीचे का और देखते अभी आगे और क्या मिलता है। तो अभी हम लोग लिंकिंग रोड छोड़ चुके हैं और कुछ खाने के लिए आ गए। अभी मैं जा रहा हूँ पर्शियन दरबार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्शियन दरबार में। अकेले दूसरी जगह गए हैं, मैं जा रहा हूँ पर्शियन दरबार, एंट्री करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल हूँ पर्शियन दरबार में बांद्रा के। मैंने लास्ट टाइम जो खाया था वो था मरोला का अंधेरी के यहाँ पे, तो मुझे लास्ट टाइम बहुत पसंद आया था, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रेफर किया था, तो उसके बाद से मैं यहाँ का फैन हो गया हूँ। तो मैं जब भी बॉम्बे आता हूँ एक बार खा के जाता हूँ और यहाँ का खेपसा राइस फेमस है बहुत, तो मैंने मटन खेपसा मंगाया। आदर्श क्या कहना चाहोगे आप? मैं नहीं खा रहा तू अकेले खा। नहीं भाई तो खाना पड़ेगा, नहीं औकात नहीं है अपने 1100 रुपए का सिर्फ केपसा राइस खाए। बात औकात की तो मेरी भी नहीं है लेकिन ठीक है, बोला अभी थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा पैक कर लीजिए, हम लोग का पेट गया भर, थोड़ा पैक करा लिया है। आदर्श का भी टाइट हो गया है हवा, मेरा तीसरा राउंड है उसका दूसरा राउंड है। लेकिन अगर हम बिरयानी खेपसा लेते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी है, हम लोगों ने लास्ट टाइम वही लिया था, ये खेपसा राइस है, ये चाइनीज़ टाइप थोड़ा लगा है, थोड़ा टेस्ट में हल्का सा कम पसंद आया मुझे। लेकिन अगर उस तो दोनों में से कोई आ रहा हो तो बिरयानी विद खेपसा लेना, फिर लास्ट का 2 कवर बचा है। कैसे तो कैसे डालना है। यहाँ का खाना खा, यहाँ का बस यहाँ से यहाँ ना निकले। ऐसे ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए लेकिन तो भी हम लोग फेंकना पड़ेगा इस वजह से खा रहे हैं, इतना महंगा लिया अगर फेंकेंगे तो ज़्यादा रिग्रेट होगा। पानी के सहारे अंदर डल रहा हूँ, अब चलते जाएंगे मेरे बेटे गाड़ी रिक्शा देखते बिल कितना आया है। आदर्श कैसा रहा? ओपन इट तू भर अभी। पेट कितना भी भर जाए लेकिन इसके लिए हमेशा जगह रहता है सॉफ्ट पैकेट में भर के लेके। मेरे को भी लग रहा है 1100 का यही लेना पड़ेगा भी लग रहा है। निकलते बाहर, अपना पार्सल भी आ चुका है।
है लिंकिंग रोड। आधे से ज़्यादा बॉम्बे की लड़कियाँ लड़के जो भी दिखते हैं रील्स में चमचमाते यहीं से खरीदते हैं कपड़े। पढ़ने आया था ना बॉम्बे, तब ज़्यादा पैसा रहता नहीं था। एक बार क्या हुआ, मैं रिक्शा में बैठा था तो मेरे पास 20 रुपये थे और मेरे को आया था बहुत जोर से प्रेशर, मैं और आजा थे। उसमें क्या हुआ कि हम लोग विद्या विहार तक आ रहे थे तो रात का टाइम था, 10 बज रहा था और मेरे पास 20 रुपये था। मैं पहले सोचा कि चल घर के नीचे रुकाऊंगा फिर बाद में, लेकिन मैं बोला कि उसको 10 मिनट रुकेगा नहीं वो। तो आधे रास्ते तक आया, मैं मीटर चेक कर रहा था कब से कि अभी 18 हो गया, अभी 17, 19, 20 रुपये आ गया, मैं रुका दिया उसको। रुक, बोला क्या हुआ क्या हुआ, अभी बहुत दूर जाना है। मैं बोला नहीं, लेकिन अभी रुका दो इधर ही, मैं 20 रुपये उसको दे के मैं भागते घर जा रहा हूँ। वो बोल रहा है रुको। मैं बोल रहा हूँ रुकने का सवाल ही नहीं भाई, प्रेशर आ रहा है, उनको रुकना ही नहीं है भाई, तो 20 रुपये ले जा। तो प्रेशर कैसे हैंडल किया, अजय सोच रहे पीछे से क्या हो रहा है इसको, क्या हुआ, इतना क्यों भाग रहा है। और वो पहुँचा मैं उधर और दिक्कत क्या हो गया, चाबी मेरे पास नहीं है, घर की चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी आजा के पास। अब मैं पीछे से आजा के लिए रुका हूँ कि आजा भाई आजा। उसको फोन लगा रहा हूँ, वो बोला किधर है, मैं बोला किधर है, जल्दी दिख नहीं रहा है। वो बोल रहा है नहीं इधर में रुका हूँ, ब्रेड लेने के लिए रुका हूँ। अरे इधर ब्रेड मत ले तू, वहाँ ब्रेड बाद में दे, नहीं तो इधर मेरे पास हलवा निकल जाएगा, उसे लगाना पड़ेगा। तो आया खोला फिर अंदर गया मैं। ये वाली बिल्डिंग जहाँ हमारे भाई काम करते हैं, कल ऑफिस जाना है, इसी बिल्डिंग में जाना है। तो अभी बच रहे फिलहाल 8:05, तो हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, यहाँ से करीब 20 मिनट लगेगा, 8:30 का ट्रेन है, टाइम पे पहुँचना है। बाय बाय। ये सागर गुप्ता है हमारी बिरादरी के, यहाँ से स्टेशन ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है, तो टैक्सी लेना पड़ेगा। तो अभी बच रहा 8:10 और टैक्सी में बैठ गए, सिर्फ 20 मिनट बचा है, एकदम कट टू कट चल रहे हैं हम लोग। बस आई होप कि ट्रेन छूटे ना, फटाफट उतर के फटाफट भागना है हम लोग को। बाकी इसके जो आदर्श क्रूमेट थे सब एक नंबर थे और बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट किया, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। और हम लोग की ये ट्रिप आज एंड हो रही है, बहुत मज़ा आया 15 दिन। आदर्श हमको स्टेशन पे ड्रॉप करने आ रहा है, वहाँ से अकेले आना पड़ेगा, वहाँ से अकेले आ जाएगा भाई तू, बस ये मना कि हम तू अकेला आना, पता चला आते टाइम 3 जन आ गए, ट्रेन छुट गया आगे, ऐसा ना हो। नहीं बॉम्बे बहुत अच्छी है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है बॉम्बे में, हम कुछ घूमे नहीं, हम लोग एक्चुअली बस लिंकिंग रोड गए और कहीं नहीं गए। बॉम्बे की एक खास बात यह है कि दिन कैसे खत्म हो जाता है कुछ आइडिया नहीं पड़ता, बस आप लोग वीडियो पर प्यार देना, जो बनाए हैं सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, देखते हैं अभी आगे क्या प्लान बनता है। बाकी मुझे ये बताना कि मैं अभी व्लॉग्स कंटिन्यू रखूं या सिर्फ ट्रिप जाऊं उस टाइम व्लॉग्स बनाऊं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ये। फाइनली आ गए हम लोग स्टेशन पे, अभी 5 मिनट और बचा है, मेरे पसीने से दिख रहा होगा कि कितना भागा है मैंने। एक्चुअली दिक्कत कहाँ होती है मालूम है, जब रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो आदमी अपने आप रिलैक्स हो जाता है कि पास में ही है, जाएंगे। हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ और वो चक्कर में हम लोग डिले हो गए। हो हो चलो मिलते, बाय 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 गाइस, ओके सब्सक्राइब करने बोलते रहे, सब्सक्राइब करो इसके चैनल को, चलो ओके बाय बाय। गड़बड़ में मैं आ गया 68-69 पे, हमारा सीट कोच है 28-59, वापस अभी आगे जाना पड़ेगा। बता इनको जरा तू कहाँ से लेके आया है ये, और मैं मेरा खा रहा हूँ दोपहर का बचा हुआ, अपना परिषद दरबार का बिरयानी, 1100 रुपये दिए तो भाई वसूलना तो पड़ेगा ना राजा। अभी फिलहाल 10:30 बज रहा है और हम लोग खा लेते हैं, खा के बाद अभी डायरेक्ट सोएंगे, कल सुबह मिलेंगे आपसे। लूसी आई है मुझको लेने, फाइनली पहुंच गए हम लोग हमारे गांव, बहुत अच्छा लग रहा है पहुंच के। लूसी, ए लूसी, कहाँ लूसी, अंकुश कहाँ, अंकुश कहाँ है?
इधर आ रे, लो खत्म भाव खत्म। तो फाइनली सेफली पहुंच गया मैं अपने घर पे और खड़ा हूँ मैं अपने फेवरेट कॉर्नर पे। मैं यही बोल रहा था कि पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाओ, कहीं भी जाके आ जाओ। घर पे आने के बाद जो खुशी मिलती है, जो घर पे आने के बाद जो सुकून मिलता है, वो अलग सुकून है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये शॉर्ट और सिंपल वीडियो पसंद आया हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको जल्दी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और बाय। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।